तो वहीं महेंद्रगढ़ से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर खाद नहीं मिलने से किसान परेशान है। परेशान किसानों ने हंगामा किया और किसानों ने पुलिस की गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए। कई पुलिस कर्मियों के घायल होने की भी खबर है। किसानों ने नांगल चौधरी में जाम लगाया था और जाम की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जाम की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची थी और किसान लगातार परेशान है। आपको बता दें कि खाद नहीं मिलने से किसान परेशान है और नाराज किसानों ने रोड को जाम कर दिया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, महेंद्रगढ़ की तस्वीरें, जहां पर खाद नहीं मिलने से किसान परेशान है और गुस्साए किसानों ने पुलिस की गाड़ी के शीशे तोड़ डाले। कई पुलिसकर्मी भी इस हादसे में घायल हुए हैं और किसानों ने नांगल चौधरी में जाम लगाया था और जाम लगने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी। जैसे ही किसानों ने पुलिस को मौके पर देखा, उन्होंने पुलिस की गाड़ी पर पथराव कर दिया। पुलिस की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए और इस पूरे हादसे में पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। हालांकि कितने पुलिसकर्मी घायल हुए ये फिलहाल अब तक सूचना नहीं मिली है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, खाद नहीं मिलने से लंबे समय से किसान परेशान हैं और उनका गुस्सा अब पुलिस कर्मियों पर निकल रहा है। जैसे ही किसानों ने वहां पर जाम लगाया, जाम की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस को मौके पर पाकर किसानों का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। उन्होंने पुलिस की गाड़ी पर हमला कर दिया, पुलिस की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। जब ये शीशे तोड़े गए, पथराव किया गया, उस दौरान गाड़ी में कई पुलिसकर्मी मौजूद थे जो कि घायल हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह दौड़ते हुए किसानों ने पुलिस की गाड़ी पर हमला कर दिया। तो महेंद्रगढ़ का ये पूरा मामला है, जहां पर खाद नहीं मिलने से किसान परेशान थे और परेशान किसानों ने यहां पर जाम लगा दिया रोड। जाम की सूचना पुलिस को मिली और पुलिस मौके पर पहुंची और तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रदीप हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। प्रदीप, हम तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह पुलिस की गाड़ी पर पथराव किया गया। सूचना ये भी है कि पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। क्या आप तक कुछ जानकारी मिल पाई, कितने पुलिसकर्मी इस पूरे मामले में घायल हुए? हाँ बिल्कुल, देखिए मोनिका, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला महेंद्रगढ़ के नांगल चौधरी का है, जहाँ पर खाद के लिए जो किसान है वो इकट्ठा हुए थे और वहाँ पर जो जाम लगाने की जब वो वहाँ पर कोशिश की जा रही थी, उसी समय पुलिस को सूचना मिली और जब पुलिस मौके के ऊपर पहुंची तो कुछ बात को लेकर वहाँ कहा सुनी हुई है और उसके बाद में जो किसान है उन्होंने वहाँ पर पथराव किया है, जिस कारण से जहाँ गाड़ी के शीशे टूटे हैं, साथ ही एक पुलिसकर्मी है वो घायल भी बताया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर वहाँ पर अब बाहरी पुलिस तैनात है और मौके के ऊपर डीएसपी भी पहुंचे हैं और जो लोग थे उनकी पहचान की जा रही है। जी प्रदीप, क्या अब तक कुछ कार्रवाई की गई किसानों पर, क्योंकि तस्वीरें जो हम जिस तरीके से देख रहे हैं, लगातार पथराव किया गया, कई किसान वहां मौजूद है जो इस पूरे मामले का वीडियो भी बना रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि इस मामले को लेकर पुलिस है वो हरकत में आई है और पुलिस ने जो वीडियो है उसके आधार के ऊपर और जो वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज है उनको भी खंगाल रही है और लोगों की जो पहचान की जा रही है और मामला दर्ज करने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि दो दिन पहले भी अटेली के अंदर इसी तरह का एक मामला सामने आया था। वहाँ पर भी किसानों ने एक गोदाम से जो खाद इकट्ठे थे वो उठाकर बाहर, तो इसी के साथ ये मामला भी अब सामने आया है। इसको लेकर जो पुलिस है वो बड़ी सख्ती के साथ निपटने की तैयारी में है और मौके पर डीएसपी पहुंचे हैं, पुलिस बल वहां पर तैनात है और इसको लेकर पुलिस का यही कहना है कि जो भी लोग आरोपी हैं जिन्होंने अंजाम दिया है उनको बख्शा जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक प्रदीप, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।